बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कुकिंग भी सलमा में आज हम बनाने लगे हैं ढाबा स्टाइल दाल माश। तो इसके लिए मैंने आधा किलो माश की दाल ली थी। इसको मैंने 5 से 6 घंटे के लिए भिगो लिया था। 3 से 4 अदद मैंने मीडियम साइज़ की प्याज लिया था, इसको मैंने काट लिया और धो लिया है। तो चलिए मज़ेदार से अपनी ढाबा स्टाइल माश दाल बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दाल माश बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर पैन लिया है और मैंने फ्लेम को खोल लिया था। तो अब यहाँ पर मैं डालूँगी ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा किलो दाल है तो मैंने 2 चम्मच ऑयल लेना है। यहाँ पे आप अपने हिसाब से लेंगे क्योंकि हम इसमें मक्खन या घी का तड़का भी लगाएंगे। तो यहाँ पे देखें ऑयल गर्म हो गया है, आप इसको घी में भी पका सकते हैं। तो ये देखें मैं प्याज इसके अंदर डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हमने लाइट ब्राउन करना है। ये देखें यहाँ पे ब्राउन होना शुरू हो गए हैं प्याज। तो अब यहाँ पे हमने डालना है अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच भर के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैंने 7-8 अदद हरी मिर्च लिए पतली वाली। तो इसको मैं पीसूँगी, इसको मैं पीस लेती हूँ। तो ये देखें इसको मैंने ग्राइंड कर लिया और इसको हम इसके अंदर डाल देंगे इस तरह से। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब यहाँ पे हमने डालना है नमक। मैं 1.5 चम्मच डालूँगी, आप अपने हिसाब से लेंगे उस जायका, आपको जितना चाहिए। और कुटी हुई मिर्च डालूँगी यहाँ पे मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ पे 3 चम्मच डाल रही हूँ भर के और आप अपने हिसाब से लें कितनी आपको डालनी है। उसको मिक्स करेंगे। यहीं पे मैंने एक कनौर क्यूब लिया है जो बाज़ार में आराम से मिल जाता है। ये देखें कनौर इसके ऊपर लिखा हुआ है और ये आराम से क्यूब्स मिल जाते हैं। तो 1 अदद मैं इसके अंदर ये डाल दूंगी। अब इसके अंदर मैं डालूंगी पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस इतनी हमारी दाल भीगी हुई है। हमने 5-6 घंटे दाल भिगोई है तो हम उसके हिसाब से पानी रखेंगे जिस तरह हम चावलों में रखते हैं। क्योंकि हम ज़्यादा पानी डालेंगे तो दाल ज़्यादा ही वो रसमी सी ना हो जाए, तो हम अपने अंदाजे से पानी डालेंगे। तो इसको मैं अच्छी तरह पकाऊंगी, बॉयल आने दूंगी, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। पानी डालकर हमने इसको उबलने दिया था और अब हम यहाँ पे डालेंगे माश की दाल जो हमने भिगो कर रखी हुई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें अब इसको हमने बॉयल दिलाना है जिस तरह हम चावलों में दिलाते हैं। तो जब थोड़ा सा पानी रह जाएगा तो हम इसमें काली मिर्च डालेंगे। चलें इसको पकने देते हैं। तो अब इसको हम बॉयल करेंगे, 5 मिनट तक इसको बॉयल करेंगे ताकि ये दाल हमारी इसके अंदर थोड़ी सी गल भी जाए और पानी भी थोड़ा सा खुश्क हो जाए। तो ये देखें बॉयल आना शुरू हो गया है। अब यहाँ पे हम इसके अंदर डालेंगे काली मिर्च। अब इसमें काली मिर्च डालते हैं, 1/2 चम्मच डाल देंगे इसके अंदर। तो ये सिर्फ 3 मिर्चों से बनी है। हरी मिर्च हमने इसमें डाली है पतली वाली पीस कर, और काली मिर्च डाली है और कुटी हुई मिर्च डाली है। तो ये सिर्फ 3 मिर्चों से बनी है दाल। और ये ढाबा स्टाइल दाल है, बहुत मज़ेदार बनती है ये। तो ये देखें इसके अंदर बॉयल आ गया है। थोड़ा सा इसको हम और पकाएंगे, दाल को काली मिर्च को मिक्स कर देंगे इसके अंदर। तो अब यहाँ पे देखें ये बिल्कुल बॉयल होना शुरू हो गई है दाल इस तरह से। तो इसके अंदर पानी भी थोड़ा कम रह गया है। तो अब यहाँ पे हम इसको कवर करेंगे और मीडियम फ्लेम पे कर देंगे। तो ये खुद ब खुद पकती रहेगी इसके अंदर। और लास्ट में हमने इसके जब हम इसको डिश आउट करेंगे तो उसके अंदर हरी मिर्चें और हरा धनिया थोड़ा सा काट के डाल देंगे। और मक्खन का तड़का नहीं हमें लगाना, सिर्फ ऊपर से हम मक्खन डालेंगे इसको टेस्ट के लिए। तो चलें इसकी फ्लेम को हम करते हैं मीडियम और इसको करते हैं कवर इस तरह से। तो अब इसको हम पकने देंगे कम से कम 8-10 मिनट के लिए। इसको पकने देंगे 10 मिनट तक हमने इसको पकने दिया था। तो ये देखें तेल ऊपर आ गया और ये दाल बिल्कुल बनकर रेडी हो गई है। तो अब इसकी फ्लेम मैं करूँगी बंद और इसको करूँगी डिश आउट। तो इसको मैंने डिश आउट कर लिया है। अब यहाँ पे मैं डालूँगी हरा धनिया थोड़ा सा, टेस्ट के हिसाब से आप डाल लें अगर आपको पसंद है तो। और हरी मिर्चें, तो हरा धनिया और हरी मिर्चें हमने डाल दी है, आप इसको काट के भी डाल सकते हैं। और ये देखें 1 चम्मच मैंने मक्खन लिया है तो ये इसके ऊपर डाल दूंगी। ये इसके टेस्ट के हिसाब से हमने लेना है।
इसको टेस्ट के लिए डाल रही हूँ, ये बहुत मज़ेदार इस तरह लगती है। तो ये देखें मैंने ये डाल दिया। तो ये देखें ढाबा स्टाइल हमारी दाल माश बनकर रेडी हो गई है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको ट्राई ज़रूर करेंगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो आप याद रखें और फीडबैक ज़रूर दें, और इसको ट्राई ज़रूर करके मुझे बताएंगा कि आपकी ये दाल कैसी बनी। और अगर आपको कोई और रेसिपी सीखनी हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएँ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।